Good morning, student. Today we will discuss the part 4 of chapter 1st. So first topic is healthy eating habits. Wash your hand before and after eating. Hame khana khane se pehle aur baad mein apne hand wash karne chahiye. Chew your food well before swallowing. Acche se khana chaba ke hi hame andar le jana chahiye. Do not drink water during meals. Khana khate time beech mein pani nahi peena chahiye. Khana khane ke baad pani peena chahiye ya fir pehle. Do not overeat. ज़्यादा खाना नहीं चाहिए हमें. Eat a balanced diet. Balanced diet लेनी चाहिए जिसमें हमारे सारे nutrients हैं जो वो right amount में क्या है present हों. Rinse your mouth after eating anything. हमें क्या है अच्छे से कुरला करना चाहिए खाना खाने के बाद. Eat all meals at a fixed time every day. हमें अपने breakfast, lunch, dinner का time है वो fixed रखना चाहिए. पूरा दिन ही हमें खाते रहना नहीं चाहिए. नेक्स्ट हमारे कुकिंग फूड के कुछ हैं टाइप्स. कुकिंग फूड हम क्यों फूड को कुक करते हैं बेसिकली. वी नीड टू कुक सम फूड आइटम टू मेक देम सॉफ्ट. इससे खाना क्या हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट. कुकिंग फूड आल्सो किल्स जर्म प्रेजेंट इन इट. मेनली कितने पर्पज है हमारे. एक तो खाना सॉफ्ट हो जाता है टेस्टी बन जाता है डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है एंड कुकिंग के बाद जो जर्म्स हैं फूड के अंदर वो क्या है खत्म हो जाते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड. फर्स्ट वन इज बॉइलिंग. बॉइलिंग में क्या होता है फूड इज कुक्ड इन अ लिक्विड इन एन ओपन और कवर्ड डीप बॉइलिंग सॉस पैन. सॉस पैन के अंदर हम फूड को क्या है बॉइल करते हैं. जैसे हम नूडल्स को बनाने से पहले क्या है बॉइल करते हैं एक के हमारे सॉस पैन में. नेक्स्ट है हमारा स्टीमिंग. स्टीमिंग में बेसिकली क्या होता है फूड इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर एंड कुक्ड इन द स्टीम ऑफ द बॉइलिंग वाटर इन अ कर्व्ड पैन और स्टीमर. इसमें क्या है हम मोस्टली जैसे प्रेशर कुकर काम करता है इसमें किसी कंटेनर में क्या है हम स्टीम बनाते हैं वाटर की उसके अंदर ही हम अपना खाना पकाते हैं जैसे इस एग्जाम्पल में शो किया हुआ है. बेकिंग फूड लाइक केक स्पाइस ब्रेड इट कैन बी बेक्ड इन ए क्लोज्ड ओवन. ओवन के अंदर क्या है हम बेक करते हैं जैसे बिस्किट जंग केक बनाए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा रोस्टिंग. रोस्टिंग में कहते हैं फूड लाइक मीट पोल्ट्री इज कुक्ड इन अ हॉट ओवन. हॉट ओवन के अंदर क्या है हम जैसे मीट है जहाँ और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है उनको क्या है हम रोस्ट करते हैं जिसको हम हिंदी में भूनना भी कहते हैं. फ्राइंग में क्या होता है फूड इज फ्राइड इन ए फ्रायर विद प्लेंटी ऑफ हॉट ऑयल. ज्यादा हॉट ऑयल डाल के उसमें क्या है हम फ्राई करते हैं जैसे हम फ्रेंच फ्राइज या और ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं. नेक्स्ट इज थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल कुकिंग फूड. हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए फूड बनाते समय. डू नॉट ओवर कुक और डीप फ्राई इट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स. हमें ज्यादा भी नहीं फ्राई करना है फूड को. इसकी वजह से क्या है उसके सारे जो न्यूट्रिएंट हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स मिनरल विटामिन हैं जो सारे वो क्या है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे. डू नॉट थ्रो द वाटर इन विच पल्सेस और राइस आर सोक्ड इट कंटेन न्यूट्रिएंट. हम क्या है पल्सेस को पहले साफ करते हैं कई बार या जो राइस होते हैं चावल होते हैं हमारे तो उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वॉश करके वो पानी हमें यूज कर लेना चाहिए उसे ऐसे ही फेंक देना नहीं चाहिए. डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आफ्टर कटिंग देम. कटिंग करने के बाद हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नहीं वॉश करना कटिंग से पहले वॉश करेंगे अदरवाइज ऑल द न्यूट्रिएंट्स विल गेट लॉस्ट. सारे न्यूट्रिएंट उसके क्या है खत्म हो जाएंगे. नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्विंग फूड. प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना बचा के रखना. कैसे द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन अ वे दैट प्रिजर्व इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन. जब फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू हम काफी टाइम तक क्या है स्टोर करके रख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रिजर्वेशन. तो हमें प्रिजर्व करने की क्या जरूरत है व्हाई इज द नीड टू प्रिजर्व फूड. फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ जर्म्स. जर्म्स की ग्रोथ होने की वजह से फूड क्या है स्पॉइल हो जाता है. जैसे हम ब्रेड को काफी टाइम के लिए बाहर रखते हैं तो उस पर क्या है जो ब्राउन ब्लैक कलर की जो आ जाती है फंगस क्या है उसमें जर्म्स होते हैं तो इसकी वजह से फूड हमारा खराब हो जाता है. तो जर्म्स कहाँ पैदा होते हैं जब एयर वाटर एंड वर्म की प्रेजेंट में. सो फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं कौन से वेज हैं जैसे कि बॉइलिंग. हम फूड को बॉयल करके जैसे हम दूध को बॉयल करते हैं मिल्क को तो बॉयल करने के बाद हम उसे ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट है कैनिंग.
कैन में स्टोर करके, इससे एयर की सप्लाई नहीं होगी तो कैन में जो फूड रखा होगा वो काफी टाइम तक प्रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग जैसे हम अचार डाल लेते हैं, वैसे हम लेमन को ज्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते या मैंगो को, बट अगर हम उसका अचार बना लें, सॉल्टिंग कर लें, तो हम उसे काफी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग में क्या होता है, सुखा के, हम धूप में क्या है सुखा लेंगे फ्रूट्स को, जिसको भी हमने प्रिजर्व करना है फूड को, और हम उसे स्टोर करके रख लेंगे। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या है, हम फ्रीजर के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं फूड को, वो काफी टाइम तक क्या है फ्रेश रहता है, जैसे कि ये मीट रखा हुआ है। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग में जैसे क्या है, ग्रेप्स के हमने स्टोर करके उनको ड्राई करके रख सकते हैं। एंड दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू।